फ्रांस, पूरा यूरोप और अमेरिका तक कनेक्ट होगा, ये किस तरह से एक गेम चेंजर परियोजना साबित हो सकती है, भारत के लिए अचीवमेंट साबित हो सकती है, खासकर तब जब चाइना एक अपना बॉर्डर और बना रहा है, लेकिन दोनों के अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है, जरा वो समझा दीजिए। देखिए, अप्रोच में जो फर्क है उसको जयशंकर ने भी बहुत जगह कहा है और मोदी जी ने भी बहुत जगह कहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जो सॉवरेंटी को इंटरफियर करे। उसका इंडिकेशन सीधा था कि जो BRI प्रोजेक्ट है वो और देशों की सॉवरेंटी को इंटरफियर करता है, खासतौर से हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें। दूसरा, उन्होंने जो पॉइंट किया था कि वो कंट्रीज को डेट से बर्डन नहीं करे, उसको उनके ऊपर लोन का बोझ नहीं लादते, तो ये दोनों बातें डिस्टिंक्टली ये अंडरलाइन करती है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये BRI से अलग प्रोजेक्ट होगा और एक तरह से ऑल्टरनेटिव हाईवे होगा जो कम्पीट करेगा BRI से।